हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट टीचर के यूट्यूब चैनल पर। आ चुके हैं पूरे जोश के साथ एक नई कक्षा में। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उससे जुड़े तमाम बातों को। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की पहली क्लास की हिंदी भाषा एवं व्याकरण। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का परिचय। हेलो, व्याकरण का परिचय। इसमें हम लोग जानेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। चलिए लिख लेते हैं, हिंदी की उत्पत्ति फारसी व ईरानी। फारसी, पारसी व ईरानी भाषाओं का शब्द है ये भाषा से उत्पत्ति हुई। हिंदी की उत्पत्ति फारसी, पारसी, ईरानी भाषा से हुई है। आप लोग इसको मोटी हेडिंग में बना लीजिएगा। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो उसमें से तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो आप लोग उसमें टिक कर देंगे। और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोग, आइए लिख लेते हैं, सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोग सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोग शा को हा बोलते थे। शा को हा, इसको आप बना लीजिएगा, शा को हा उच्चारित करते थे। तथा धा को दा बोलते थे इस प्रकार ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी बुलाते थे। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले भारतीय लोगों को बुलाते थे तथा सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। एवं आर्यों की भाषा हिंदी कहलाई। आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके आगे सिंधु नदी के पूर्व का भाग कहलाई एवं, आप इसके आगे लिख लीजिएगा, एवं सिंधु नदी के पूर्व का भाग हिंदुस्तान, सिंधु प्लस स्थान, इसको मिला के हिंदुस्तान बोलते थे ईरानी लोग।
हिंदुस्तान कहलाया। सिंधु नदी के पूर्व का भाग हिंदुस्तान कहलाया। तो ये इसका परिचय रहा, और आगे जानते हैं हिंदी शब्द का इसका संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, पहले सिंधु नदी, सिंधु से ही हिंदी का उद्गम किस प्रकार हुआ। सिंधु को हिंद बोलते थे, सिंधु को हिंद बोलते थे, और हिंदू से हिंदू बना, हिंदू बना, हिंदू बना, हिंदू के बाद से हिंदी, हिंदी के बाद हिंदुस्तान। आप लोग इसे क्रम में लिख लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में लिखेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है। आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा, भारतीय आर्य भाषाओं में भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा लिखेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा लिखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देख लेते हैं इन भारतीय भाषाओं को प्राचीन, मध्य, आधुनिक किन किन कालों में बांटा गया है। तो पहला लिखेंगे इसे 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसे बांटा गया है, और लिख लेंगे मध्य को, मध्य भारतीय आर्य भाषा को 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक बांटा गया है, और आधुनिक आर्य भाषा को 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक लागू है, वर्तमान समय तक है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इनको आप लोग लिख लीजिए। तो इसके बाद आगे बताते हैं कि हिंदी के बाद भाषा का उत्पत्ति संस्कृत के बाद किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, किस प्रकार हिंदी निकल कर आई सामने, इसको लिख लीजिए। इसके बाद तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारी आप जानते हैं कि प्राचीन भाषा संस्कृत थी, संस्कृत के बाद ही सारी भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, आइए संस्कृत, संस्कृत को दो उपभागों में बांटा गया है। लिखेंगे वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद की जानकारी मिलती है आपको, और लौकिक संस्कृत में आपको रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। लिख लेंगे यहाँ पे वेद, उपनिषद, और इसका काल लिखेंगे यहाँ से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत का जो काल था इसको लिख लेते हैं। इसमें आप मिलेगा रामायण महाभारत, और इसका काल था 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ना समझ में आ रहा हो तो इसको ध्यान लिख देते हैं। एक हजार ईसा पूर्व से
500 ईसा पूर्व इसका काल था। संस्कृत के बाद पाली भाषा की उत्पत्ति होती है, पाली भाषा की उत्पत्ति होती है और पाली का जो काल था वह था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक यह पाली भाषा चली थी। और उसके बाद पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत का जो काल था वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। प्राकृत भाषा के बाद प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषा जिसे सौर सैनी भाषा भी कहते हैं, अपभ्रंश विकट में लिख लेंगे सौर सैनी, इसका जो काल था या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ना जानते हों तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई हमारी इसी अपभ्रंश या सौर सैनी भाषा से हुई है, तो इसमें लिख लेंगे सौर सैनी अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा का काल 1000 ईस्वी से वर्तमान तक है, वर्तमान तक, ठीक है। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए और कुछ पॉइंट्स हैं इसके आगे बता रहे हैं, तो हिंदी का जो मानक समय है स्टार बना के लिख लीजिएगा, हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी है। और कुछ पॉइंट लिख लेंगे जो हमारी परीक्षाओं में आते हैं, ये हमारा परिचय इसका पूरा हुआ। और लिखेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेते हैं। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को एवं विश्व हिंदी दिवस या 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक पॉइंट और है, अगर आप लोग राजस्थान की तैयारी करते हैं तो आप लोगों से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। आज की क्लास यहीं तक, छोटी छोटी क्लासों के साथ आपसे मिलेंगे, आपको याद करने में आसानी रहेगी और आगे ये कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। कल हम लोग चर्चा करते हैं व्याकरण, व्याकरण के कितने अंग हैं। ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।